फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ऑर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। यह खबर बेहद चिंता में डालने वाली है। दुनिया के 26% कोरोना के नए केस भारत से है। जिस तरह प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यह आशंका प्रबल हो गई है कि कहीं भारत कोरोना का नया सेंटर तो नहीं बनने जा रहा है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 31 लाख को पार कर चुका है। रोजाना करीब 70,000 नए केस सामने आ रहे हैं। यह हाल तब है जबकि टेस्टिंग की संख्या अपेक्षाकृत कम है। मार्च से देश लॉकडाउन की मार झेल रहा है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की गई थी। इसके तहत रेलवे हवाई यात्रा रद्द कर दी गई थी। यह बहुत बड़ा कदम था। देश में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ जब रेल यातायात ठप कर दिया गया था। एक समय वह भी रहा जब बेहद कम कोरोना संक्रमितों की संख्या थी, लेकिन अब पहले 50,000 और अब करीब 70,000 नए संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। वर्तमान में भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 31,66,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 58,390 हो चुका है, जबकि 24 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अभी एक्टिव केस 7 लाख से अधिक हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।